सोशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत पिरामिल फाउंडेशन द्वारा पूर्व में बोलो ऐप का उपयोग किया जाता था, अब उससे भी अच्छा एक रीड अलोंग ऐप आया है, जिससे लर्निंग आउटकम्स और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई और भाषा में रुचि लाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा इंटरएक्टिव ऐप देखने को लिए मिला है। इसका उपयोग सभी स्कूलों में और जिन लोगों को पढ़ाई और भाषा में रुचि है वे सभी कर सकते हैं। इस आशय के विचार कलेक्टर एस कृष्ण चेतन ने शिक्षा विभाग के संकुल प्राचार्यों की मीटिंग के दौरान व्यक्त किए, साथ ही बच्चों के माध्यम से यह ऐप भी लॉन्च कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। बेटा आपको पढ़ने दें थोड़ी देर के लिए। हाँ, आप कौन से क्लास में हैं? बताओ सर, आप कौन से क्लास में हो? टैप करो, बा बा बा, अभी नहीं, इसको भी गलत। ऐसे ऐसे बच्चों को इंगेज करेगा और इससे अच्छा। वो सीखेंगे भी सर। गुब्बारे चेक करो जिन पर ये है, ठीक है। पिरामल फाउंडेशन द्वारा पूर्व में, जैसे आप सभी विदित हो, यहाँ पे दमोह जिले में बोलो ऐप का यहाँ पे उपयोग करता था। अब जो नया बेटर जो ऐप है, एंड्रॉयड वर्जन का ही है, रीड अलोंग ऐप जो है, वो अपना लर्निंग आउटकम्स और यहाँ पे अपना शिक्षा की स्तर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ले आने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर जो है इंटरेस्ट ज़्यादा दिलाने के लिए वो ऐप का जो है आज लॉन्च प्रोग्राम किया गया है, जिसमें DO, DPC सभी अपने यहाँ पे संकुल प्राचार्य भी उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा अपना इंटरैक्टिव ऐप यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ये सभी स्कूल में लोग जिन जिन को भी पढ़ाई और लैंग्वेज के बारे में अच्छा इंटरेस्ट है वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने निर्देश भी ये दिया है सभी स्कूल्स में जहाँ पे वेब बेस्ड अपना ये भी अपना मॉडल है उसको भी अपने यहाँ पे डाउनलोड करके रखें, ताकि बच्चे अगर कोई इसको इंटरेस्ट लेता है तो वो वहीं पे पढ़ लेगा और उसके बाद अगर ऐप भी अपना डाउनलोड करेगा घर में भी जाके जो है उसका उपयोग कर सकता है। इसमें केवल ऐप डाउनलोड करने के टाइम में ही अपने यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाती है तो डायरेक्टली जो है वो अपना जो भी वहाँ पे मैटर है वो पूरा जो है वो पढ़ने की स्थिति में हो रहेंगे। तो यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें और जो अपनी लैंग्वेज की स्तर जो है और इससे इम्प्रूव हो, यही अपेक्षा भी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल की खबरें अपने व्हाट्सएप पर देखना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए नंबर पर अपना नाम पता व्हाट्सएप करें, हम आपको पर्सनल नंबर पर दमोह जिले की खबरें भेजेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप खबरें प्राप्त कर सकते हैं।